नमस्कार दोस्तों, आज का ये जो हमारा वीडियो है वो है मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज पार्ट टू। और जैसा कि आपको पता है कि इसके पहले हमारे द्वारा इस वीडियो का पार्ट वन अपलोड किया जा चुका है, जिसे आप हमारे चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। और इन एमसीक्यूज की सीरीज को हमारे द्वारा यूपीपीएससी 2017 के सिलेबस को ध्यान में रखकर तैयार किया जा रहा है, और इसकी प्रामाणिकता पर जो है वो किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और पहला प्रश्न लेते हैं। पहला प्रश्न जो है, हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाई देने का कारण क्या है? और इसका जो उत्तर है वह है प्रकाश का अपवर्तन। दोस्तों, प्रकाश के अपवर्तन की वजह से अन्य बहुत सारी घटनाएं भी घटित होती हैं, और अगर जो प्रश्न है उनके अराउंड आपसे पूछा जाता है, उनके रिगार्डिंग आपसे पूछा जाता है, तो आप उसका उत्तर दे सकें, इसके लिए हम थोड़ा सा और इसके बारे में डिस्कस करते हैं। जो प्रकाश का अपवर्तन है, इसकी वजह से अन्य जो घटनाएं होती हैं मैं आपको बताने जा रहा हूं, आप उसे ध्यान से सुने। सूर्योदय के पहले एवं सूर्यास्त के बाद भी जो है वो सूर्य दिखाई देता है, ये क्यों? प्रकाश के अपवर्तन की घटना की वजह से। पानी से भरे किसी बर्तन की तली में पड़ा हुआ सिक्का ऊपर उठा हुआ दिखाई पड़ता है, ये भी जो है वो प्रकाश के अपवर्तन की वजह से होता है। जल के अंदर पड़ी हुई मछली वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर दिखाई पड़ती है। द्रव में अंशतः डूबी हुई सीधी छड़ जो है आपको टेढ़ी दिखाई पड़ेगी, और जो है तारे टिमटिमाते हुए दिखाई पड़ते हैं। ये जितनी भी घटनाएं मैंने आपके आपको बताई, ये प्रकाश के अपवर्तन की वजह से घटित होती है। आगे बढ़ते हैं। जलते हुए विद्युत बल्ब के तंतु का ताप होता है, और इसका जो ताप होता है वो होता है 2000 से 2500 सेंटीग्रेड, डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि जो विद्युत बल्ब है उसके आविष्कारक जो थे वो थॉमस अल्वा एडिशन थे, और जो विद्युत बल्ब का तंतु होता है जिसे फिलामेंट कहते हैं, वो टंगस्टन धातु का बना होता है, और टंगस्टन के ऑक्सीकरण को रोकने के लिए जो है वो बल्ब के अंदर अंदर के भाग को निर्वात कर दिया जाता है, और कभी कभी पूर्णतः निर्वात नहीं करते हैं, और इसके अंदर जो है नाइट्रोजन या ऑर्गन गैस को भर दी जाती है। क्यों? क्योंकि उच्च ताप पर टंगस्टन का वाष्पीकरण ना हो। आगे बढ़ते हैं। जलयुक्त गिलास में तैरता हुआ बर्फ का टुकड़ा जब पिघलता है तो पानी का स्तर जो होगा वो क्या होगा? और वो है, पानी का स्तर वही रहेगा, सेम रहेगा, अगर जो बर्फ का टुकड़ा वो पानी में अगर पिघल भी जाता है तो भी जल का स्तर जो है वो वही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। जब दो लोग आपस में बात करते हैं तो कितने डेसिबल ध्वनि उत्पन्न होती है? और इसका सही उत्तर है 30 डेसिबल। ठीक है, जैसे आपके जैसे कि आपको पता होगा कि हम ध्वनि को डेसिबल में मापते हैं, और इसके अतिरिक्त मैं और भी ध्वनियों की बात करूं तो साधारण बातचीत जो है वो 40 से 60 डेसिबल, फुसफुसाहट जो है 15 से 20 डेसिबल, गुस्से में जो बातचीत होती है वो 70 से 80 डेसिबल, सायरन जो बजता है वो 190 से 200 डेसिबल, रॉकेट जो होता है उसकी जो ध्वनि होती है वो 160 से 170 डेसिबल होती है, ऑर्केस्ट्रा जो होता है वो 100 से 110 डेसिबल, मिसाइल 180 से 190 डेसिबल, लाउड स्पीकर 70 से 80 डेसिबल, ट्रक मोटरसाइकिल की जो ध्वनि होती है वो 90 से 95 डेसिबल, और प्रिंटिंग प्रेस की जो ध्वनि होती है वो है 100 से 105 डेसिबल। आगे बढ़ते हैं। गोताखोरों द्वारा गहरे समुद्रों में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के साथ किस गैस का प्रयोग होता है, या किस गैस को मिश्रित किया जाता है? ये प्रश्न है आपका, और इसका जो सही उत्तर है वो है हीलियम। ऑक्सीजन के साथ वो हीलियम को मिश्रित करते हैं गोताखोर। क्यों? क्योंकि हीलियम जो है वो हल्की और अज्वलनशील गैस है। इसके अतिरिक्त अगर हम हीलियम के अन्य उपयोग की बात करें तो ये जो है गुब्बारों में भरने के काम आता है, मौसम संबंधी अध्ययनों के लिए होता है, ठंडी वायु वाली नाभिकीय भट्टियों में भी इसका यूज किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग होने वाला तार किस पदार्थ का बना होता है? और ये जो बना होता है वो होता है टिन और शीशे के मिश्र धातु का। ठीक है, ये जो बना होता है वो टिन और शीशे के मिश्र धातु का। क्यों? क्योंकि इसका गलनांक कम होता है। आगे बढ़ते हैं। श्वसन की क्रिया में वायु के कौन से घटक की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता? और वो जो वायु का घटक है वो है नाइट्रोजन। जब आप श्वसन की क्रिया करते हैं नाइट्रोजन की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा विटामिन खून के जमने में सहायक होता है? और इसका जो उत्तर है वो है विटामिन के। जो है
ये जो है विटामिन के, ये खून के जमने में सहायक होता है। और अगर मैं इसकी रासायनिक नाम की बात करूं तो रासायनिक नाम है फिलोक्विनोन, ठीक है, इसका नाम रासायनिक नाम है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, फिलोक्विनोन। और ये जो है एक रक्त स्राव विरोधी विटामिन है जो यकृत में प्रोथ्रोम्बिन के निर्माण के लिए आवश्यक होता है, और इसकी कमी से जो है रक्त का थक्का नहीं जमता है और बहुत अधिक मात्रा में रक्त जो है वो स्राव होता है, रक्त गिरता है। आगे बढ़ते हैं, शर्कराओं में सबसे मीठी शर्करा कौन सी है, और इसका जो सही उत्तर है वो है फ्रक्टोज। इसका जो सही उत्तर है वो है फ्रक्टोज। और दोस्तों एक बात और याद रखें कि ये एक मोनोसेक्राइड कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, क्योंकि कभी कभी प्रश्न में ऐसे भी पूछ लेता है कि फ्रक्टोज किस प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, डाइसेक्राइड, मोनोसेक्राइड, तो ये एक मोनोसेक्राइड जो है कार्बोहाइड्रेट है। आगे बढ़ते हैं, जिस सिद्धांत पर ऑप्टिकल फाइबर कार्य करता है वो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर ये जो है कार्य करता है। दोस्तों अगर मैं ऑप्टिकल फाइबर की बात करूं तो ऑप्टिकल फाइबर जो है एक बहुत ही उत्तम कोटि का फाइबर है और इसकी कुछ विशेषताएं भी हैं, जैसे कि संचार की गति बहुत तीव्र होती है इसमें, इसकी क्षमता बहुत अधिक होती है, ये बहुत विश्वसनीय और त्रुटि मुक्त है, और बहुत पतले और हल्के होते हैं, ये बहुत कम ऊर्जा लेते हैं, और एक प्रकाश तंतु में हजारों चैनल जो हैं वो हो सकते हैं इसके। तो ये जो है ये कुछ ऑप्टिकल फाइबर की विशेषताएं थी। आगे बढ़ते हैं, किस शासक के काल में, यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक है तो मैं यहाँ पे रिपीट भी कर रहा हूँ, सही भी कर रहा हूँ, किस शासक के काल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन जो है कश्मीर में हुआ था, और इसका जो उत्तर है वो है कनिष्क, ठीक है, इसका जो उत्तर है वो है कनिष्क। कनिष्क के समय में ही जो है वो बौद्ध संगीति, चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कश्मीर में हुआ था, और इस बौद्ध संगीति में जो है वो विभाषा शास्त्र नामक जो है टीका का संकलन किया गया था, और इसी बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म दो संप्रदायों में बटा था। दोस्तों इसे याद रखें कि इसी बौद्ध संगीति में, चतुर्थ बौद्ध संगीति में ही बौद्ध धर्म को दो संप्रदायों में बांट दिया गया था, हीनयान और महायान, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, संगमकालीन साहित्य में कौन को एवं मनन किसके लिए प्रयुक्त होते हैं, ये जो शब्द हैं कौन और मनन ये किसके लिए प्रयुक्त होते थे संगमकालीन साहित्य में, और ये जो प्रयुक्त होते थे वो प्रयुक्त होते थे राजा के लिए, ठीक है, ये जो शब्द है राजा के लिए प्रयुक्त होते थे। इसके अतिरिक्त मैं बात करूं तो राजा को वेदन, कौसवन, इरेवन इन शब्दों से भी बुलाया जाता था, इन शब्दों का भी प्रयोग राजा के लिए किया जाता था। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था, और इसमें जो है इसका जो उत्तर है वो है अकबर, इसका जो उत्तर है अकबर, और इसने जो है अगस्त 1563 में जो है वो तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया था। आगे बढ़ते हैं, फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दारुल सफा क्या था, और ये एक अच्छा क्वेश्चन है, बार बार ये रिपीट होता रहता है किसी न किसी एग्जाम में, आप इस प्रश्न को ध्यान से देखें और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और इसका जो उत्तर है कि दारुल सफा एक खैराती अस्पताल है, क्या है ये, एक खैराती अस्पताल है। आगे बढ़ते हैं, अभिनव भारत से कौन संबंधित हैं, तो ये ऑप्शंस हैं आपके, और इसका जो सही उत्तर है वो है वी डी सावरकर, ठीक है, ये जो है वी डी सावरकर है। अभिनव भारत जो है ये एक क्रांतिकारी संगठन था, ठीक है, और अगर इसकी बात करें तो वी डी सावरकर ने 1904 में जो है इसकी स्थापना की थी, ठीक है, और इस संगठन का जो है महाराष्ट्र के जो क्रांतिकारी थे उनके संघों में जो है इसका प्रथम स्थान था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, वैज्ञानिक समाज की स्थापना किसने की थी, और इसका जो उत्तर है वो है सर सैयद अहमद खान, ठीक है, इन्होंने ही जो है वो वैज्ञानिक समाज की स्थापना की थी। और अगर हम सर सैयद अहमद खान के बारे में बात करें तो इन्होंने जो है मुस्लिम समुदाय को आधुनिक बनाने और इस्लाम में जो उस समय बुराइयां फैली हुई थी उनको दूर करने का प्रयास इन्होंने ही सबसे पहले शुरू किया था, और इन्होंने ही सबसे पहले पीरी मुरादी प्रथा और दास प्रथा को समाप्त करने का भी प्रयास किया था, ठीक है। नेक्स्ट से आगे बढ़ते हैं,
स्थाई बंदोबस्त किसके साथ किया गया था? और इसका जो उत्तर है वो है जमींदारों के साथ। जो स्थाई बंदोबस्त था वो था जमींदारों के साथ किया गया था, और ये 1772 में वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम में जो ये व्यवस्था चलाई गई थी। आगे बढ़ते हैं, प्रार्थना समाज के संस्थापक जो थे वो कौन थे? इसका जो उत्तर है वो है आत्माराम पांडुरंग। ठीक है, जो ये है आत्माराम पांडुरंग। और इनका जो उद्देश्य था, पहले तो हम बात करते हैं कि ये जो प्रार्थना समाज था इसकी स्थापना कब हुई थी। ये हुई थी 1867 में, और हुई थी कहाँ, ये बम्बई में। और इस जो समाज का उद्देश्य था, प्रार्थना समाज का जो उद्देश्य था, वो जाति प्रथा का विरोध, स्त्री पुरुष के विवाह की आयु में वृद्धि, विधवा विवाह, स्त्री शिक्षा आदि को प्रोत्साहन देना था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, भारत में नारी आंदोलन किसकी प्रेरणा से आरंभ हुआ? इसका जो सही उत्तर है वो है पद्माबाई रनाडे। पद्माबाई रनाडे जिनकी प्रेरणा से ही भारत में वो नारी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। और अगर हम इनकी बात करें तो जो ये पद्माबाई रनाडे जी थी, इन्होंने स्त्रियों की परतंत्रता, बाल विवाह, विधवा विवाह आदि सबका निषेध किया, और स्त्रियों की अशिक्षा का जो है विरोध किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? और इसका जो सही उत्तर है वो है दादा भाई नरोजी। जो राजनीतिक सुधारों को लेकर पहले, सबसे पहले विरोध करने वाले प्रथम भारतीय जो थे वो दादा भाई नरोजी थे। और अगर हम इनके बारे में बात करें तो इन्होंने 1853 में बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना की, तथा 1867 में अपने मित्र के सहयोग से लंदन में इंडियन एसोसिएशन एवं ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की जो वो स्थापना की थी। और ये जो संगठन थे, इनके माध्यम से नरोजी जी ने जो है वो राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध का कार्य प्रारंभ किया था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, मसालों का बागान कहे जाने वाला राज्य कौन सा है? ये भी एक बहुत अच्छा प्रश्न है, आप इस प्रश्न को ध्यान से देखें कि मसालों का बागान कहे जाने वाला राज्य कौन सा है? और इसका जो उत्तर है वो है केरल। जैसे कि आपको पता होगा कि मसाला बोर्ड का जो गठन है 26 फरवरी 1987 को हुआ था, और इसका जो मुख्यालय था वो कोच्चि में था, और 52 प्रकार के जो मसाले जो हैं वो निर्यात प्रोत्साहन का उत्तरदायित्व तो ये संभालता था। ठीक है, तो ये थोड़ा सा था इसका बैकग्राउंड। आगे बढ़ते हैं, किस मृदा को कम सिंचाई की आवश्यकता होती है? और इसका जो सही उत्तर है वो है काली मृदा। क्यों? क्योंकि इसमें जल धारण करने की क्षमता अधिक पाई जाती है, और जैसा कि आपको पता है कि कपास की खेती जो है वो काली मृदा में स्पेशली होती है। अगर काली मृदा के संगठन की बात करें तो ये जो है भीगने पर चिपचिपी हो जाती है, और सूखने पर जो है ये दरार युक्त हो जाती है। ठीक है, और इसी कारण जो है इसे स्वतः जुताई वाली जो मिट्टी भी हम कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, फोन एक स्थानीय पवन है, कहाँ की? चीन की, कोरिया की, जापान की, स्विट्जरलैंड की? और ये जो पवन है वो है स्विट्जरलैंड की। ठीक है, और अगर हम स्थानीय पवन की बात करते हैं, इस टर्म की बात करते हैं कि आखिर स्थानीय पवन होता क्या है, तो चलिए मैं आपको एक लाइन में बताता हूँ कि स्थानीय पवन जो है वो वायु दाब में अंतर के कारण, इस जो स्थानीय वायु दाब है उसमें अंतर के कारण, जो है तापमान में अंतर के कारण जिन पवनों की उत्पत्ति होती है उसे हम स्थानीय पवन कहते हैं। ठीक है, तो फोन जो है वो एक स्विट्जरलैंड की स्थानीय पवन है। आगे बढ़ते हैं, भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है, और ये जो अर्थव्यवस्था है वो आधारित है मिश्रित अर्थव्यवस्था पर। ठीक है, ये जो अर्थव्यवस्था है वो आधारित है मिश्रित अर्थव्यवस्था पर। अगर हम मिश्रित अर्थव्यवस्था की बात करें तो मिश्रित अर्थव्यवस्था से अगर हम बात करें, मतलब उसका तात्पर्य जो है वो सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व है, मतलब यहाँ पर दोनों क्षेत्र जो हैं वो मौजूद रहते हैं, और एक
एक साथ काम करते हैं, और जो इसका आरंभ हुआ था वो प्रथम औद्योगिक क्षेत्र नीति में हो गया था, जो कि 6 अप्रैल 1948 को उस समय जो केंद्रीय मंत्री डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे उनके द्वारा इस औद्योगिक नीति की घोषणा की गई थी। आगे बढ़ते हैं और अंतिम प्रश्न लेते हैं कि पीत क्रांति का संबंध किससे है? ये भी एक बहुत अच्छा प्रश्न है, बार बार रिपीट होता है, तो आप इसे ध्यान से देखें कि पीत क्रांति का संबंध किससे है, और ये है जो है ये तिलहन से है। ठीक है, ये जो किससे संबंधित है, तिलहन से संबंधित है। तो दोस्तों ये था हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज फॉर यूपीपीएससी 2017, और अगर आप किसी प्रकार का कोई सजेशन देना चाहते हैं तो आप प्लीज़ कमेंट लाइन पर लिखें, और किसी प्रकार का कोई परिवर्तन चाहते हैं इन वीडियो में, या आप चाहते हैं कि इसके पैरेलल कोई और भी टॉपिक डिस्कस किए जाएं, तो अपना सजेशन कमेंट लाइन पर लिखें। सो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, बाय।